A shocker from the national capital, a teenage girl's body has been found in a car in Delhi's Anand, Vihar area. The victim, a student of class 11, had left her Vishwas Nagar home at 7 this morning for school. Her parents raised an alarm and she didn't get back home in the afternoon. Her body was found in a red Maruti car. The girl's earrings and mobile phone were also found in the car. The police also recovered some suspicious-looking tablets from the same vehicle. जब सुबह 7:30 बजे लड़की को स्कूल छोड़ कर आए, स्कूल छोड़ने के बाद 10:30 बजे आज हाफ डे होना था, हम स्कूल गए दोबारा। वहाँ पे गार्ड ने हमसे कहा कि दो बड़ी क्लासों की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, हमने सोचा शायद वो 11th 12th की। फिर हम 12:30 बजे दोबारा वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद भी लड़की कोई नहीं मिली, हम जब से उसे ढूंढते रहे। फिर हमें 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास हेड के बाहर से हॉस्पिटल से फ़ोन आया, उसके बाद हम यहाँ पर आए। बाद में पता चला लड़की हमारी मर गई, लड़की को जहर दिया गया। और जो लाल रंग की जैन गाड़ी है, 30-60 नंबर है गाड़ी का, उसकी बैक साइड पे दूध की डेयरी वो पड़ी हुई है जिसमें दूध आता है, और दो टोचे पड़े हैं, सल्फास की गोलियाँ, मोबाइल की बैटरी, लड़की के सोने की कान की बालियाँ उतार लिया गई हैं, और सारी गाड़ी फूटी पड़ी है अंदर से। लड़की मेरी सवेरे स्कूल गई थी भतीजी जी, 7:30 बजे जी, 10:30 बजे आज हाफ डे था। उसके बाद लड़की वहाँ नहीं मिली, गार्ड ने स्कूल के बताया चलना भी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, हो सकता है बच्चे अंदर हों। उसके बाद 12:30 बजे लड़की को लेने गए तो लड़की वहाँ पर नहीं मिली। उसके बाद हमने ढूंढा शुरू करा, ढूंढने के बाद हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी इसी दौरान 1:13 में हॉस्पिटल हेड अखबार से छोटे वाले भाई के पास जिसकी लड़की है उसके पास फ़ोन आया कि आपकी लड़की यहाँ पर है, आप तुरंत आइए। उसके बाद हमारे